अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अरीबा और आप देख रहे हैं किचनी तरीबा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ पे भी होंगे खैर अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग किस्म की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। बाज दफ़ा ऐसे होता है कि हमारा कुछ बनाने को दिल नहीं करता और हमें भूख बहुत लगड़ी होती है, तो आप इसे मिनटों में बनाकर खा सकते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी तो बहुत जल्दी में बन जाती है, हमारे यहाँ तो बहुत शौक से लोग खाते हैं ये। अक्सर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे टेस्ट बड खराब हो जाते हैं, तो आप लोग ये बना कर खाएं। आपने रेसिपी को एंड तक देखना और मुझे फीडबैक देना है। सबसे पहले हम चावल बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक कप चावल लिए हैं, इन्हें साफ कर लिया है। अब मैं इन्हें खुले बर्तन में डालूंगी ताकि मैं इन्हें भिगो सकूँ। मैंने इसे 2 से 3 दफ़ा इसे धोया ताकि इसमें से एक्स्ट्रा डस्ट निकल जाए और साफ सुथरे चावल बाकी हमारे पास रह जाए। और मैंने चावलों को 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। ये वही चावल है जिन्हें मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था। और साथ ही मैंने 2 कप पानी ले लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने मेल्टेड देसी घी लिया है, आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया है। व्हाइट चावल देसी घी से बहुत ही मज़े के बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 1 पॉट में 2 कप वाटर शामिल कर रही हूँ और साथ ही नमक शामिल कर दूँगी और साथ ही देसी घी शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसके बॉईल आने का वेट करूँगी। बॉईल आ चुका है तो अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। चावलों में से पहले एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद अब मैं इस उबलते हुए पानी में चावल शामिल कर दूँगी। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे आपने नमक चेक कर लेना, अगर कम है तो आप और शामिल कर ले। कवर करके मैं इसका पानी खुश्क करूँगी। तकरीबन 5 मिनट में ही इसका पानी खुश्क हो गया है। अब पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं इसे दम लगा दूँगी और 15 मिनट के लिए मैं इसे दम पर रखूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने लिड उतार ली है और आप देख सकते हैं कितने खिले खिले राइस बॉल हुए हैं। बगैर पीछे उतारे गजाइत से भरपूर बनकर चावल हमारे तैयार हैं। आप सबको समझ आ गई होगी कि चावलों को कैसे बॉईल करना है। आज मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर की है, क्योंकि बाद दफ़ा चावल सही बॉईल होते हैं और टूट जाते हैं। अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे चावल बनाना सीख जाएंगे। चावल बॉईल कर लिए, अब मैं असल रेसिपी की तरफ आती हूँ। अब मैंने इसमें शक्कर और दूध शामिल करना है, तो मेरी रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आप शक्कर पसंद नहीं करते तो आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपने कभी वो घर में व्हाइट चावल बनाए हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। तो फिर आपने बस दूध और शक्कर शामिल करना है, आपकी बस रेसिपी बनकर 2 मिनटों में तैयार हो जाएगी। अगर आप बीमार हैं तो ये डाइट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी एंड सेफ रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।